प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय के गलियारों से एक कहानी। एक व्यक्ति अपने जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव देखता है। अपनी कमाई की बदौलत घर परिवार का ध्यान रखता है और घर की साज सज्जा के अलावा सुख सुविधाओं के साधन भी जुटाता है। गुजरते वक्त के साथ जब वही व्यक्ति बूढ़ा होने लगता है तो उसे अपने ही घर में एक कोने तक सीमित कर दिया जाता है और धीरे धीरे घर से बाहर होने की स्थिति भी बनने लगती है। इन्हीं परिस्थितियों से गुजरते एक व्यक्ति की कहानी को पंक्तिबद्ध किया है मशहूर कथाकार शरद जोशी ने अपनी कहानी पुलिया पर बने ड्राइंग रूम में। आइए सुनते हैं ये कहानी जिसका वाचन कर रहे हैं राजीव शर्मा। चिंतामण बाबू ने जब 80x30 की जमीन लेकर मकान खड़ा किया था तब तय था कि वह फॉरेस्ट की नौकरी से रिटायर होने के बाद जीवन का शेष भाग यहीं गुजारेंगे। मकान अच्छा खासा बड़ा है, एक बैठक, छोटा सा बरामदा, दो कमरे, एक रसोई और छोटा सा हिस्सा स्टोर या आलतू फालतू सामान के लिए। उस समय विनय छोटा था और बड़ा बाबा श्रीधर कॉलेज में था। चिंतामण बाबू दफ्तर से लौटने के बाद ड्राइंग रूम में बैठे रहते और तब सारा घर लगभग वहीं घिरा रहता। ऊधम चलती, रेडियो बजता रहता, पत्रिकाएं पढ़ी जाती, कोई जान पहचान वाला आया तो वहीं चाय का दौर हो गया। बरामदे का उपयोग लगभग नहीं था, वो खाली ही रहता था। कोने में विनय का क्रिकेट का बल्ला और एक टूटी कुर्सी, पीछे के दो कमरों में एक में बिस्तर, पेटियां, अलमारियां, पूजा की जगह आदि रहती, वहीं कपड़े भी बदले जाते, और दूसरे में पलंग। अच्छा खासा बड़ा घर था जो चिंतामण बाबू के सरकारी पद की प्रतिष्ठा के अनुकूल ही था। समस्या तब आई जब चिंतामण बाबू रिटायर हुए और बड़े बेटे श्रीधर की बैंक की नौकरी लगी। ड्राइंग रूम पर दबाव बढ़ने लगा। चिंतामण बाबू ज्यादातर घर में ही बने रहते और उनकी बैठक रहती ड्राइंग रूम में। वहीं श्रीधर के विवाह के बाद पीछे का एक कमरा बहू को चला गया। दहेज में आई श्रृंगार मेज उसी कमरे में लगी और नया सोफा सेट ड्राइंग रूम में आ गया। इसी के साथ चिंतामण बाबू का तख्त बाहर बरामदे में लग गया। अब वे वहीं बैठने लेटने लगे। उनकी वृद्ध पत्नी श्रीधर की मां पीछे अंदर किचन में रहती और वे बाहर बरामदे में रहते। चिंतामण बाबू को बरामदा पसंद था, यद्यपि बहुत अधिक बरसात, अधिक ठंड या अधिक गर्मी के समय वहां बैठने में दिक्कत होती थी, फिर भी वे वहां बैठे रहते। रिटायर होने के बाद से तंबाकू खाने की आदत ज्यादा बढ़ गई थी तो वहां बैठे बैठे उन्हें थूकने की सुविधा रहती। ड्राइंग रूम में जब बैठते थे तब वहां से थूकने के लिए बाहर तक आना पड़ता था। अब यहां बाहर बरामदे में बैठे बैठे ही बाहर थूक देते हैं, उठना नहीं पड़ता। उन्हें यह जगह पसंद है, बाहर की चहल पहल पर नजर रहती है, दिन भर सामने से लोग गुजरते रहते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। मगर हाई स्कूल करने के बाद जब विनय ने कॉलेज प्रवेश लिया तब उसके लिए एक अलग स्टडी के कमरे की जरूरत महसूस हुई।
विनय ने बरामदे में एक छोटा सा पार्टीशन लगाकर अपना स्टडी रूम बना लिया। चिंतामण बाबू का तख्त जो बीच में रहता था अब कोने में आ गया। बैठे हुए वहां भी रह सकते थे मगर उसमें दो कष्ट थे। एक तो सामने पार्टीशन की लकड़ी की आड़ आ जाने से बाहर का नजारा दिखाई देना बंद हो गया और दूसरे मुंह की तंबाकू थूकने की सुविधा नहीं रही। उन्हें लगा कि वे घिर गए हैं। पीछे के कमरे में बहू और उसका बच्चा, ड्राइंग रूम में श्रीधर की सदैव गुलजार रहने वाली बैठक और बरामदे में विनय की स्टडी। चिंतामण बाबू एक दिन उठे और घर के सामने की छोटी सी पुलिया पर जा बैठे और बाद में वहां बैठना ही उनका नियम सा हो गया। तंबाकू चूने की डिबिया और अखबार हाथों में ले वे पुलिया पर जाकर बैठ जाते। सुबह से बैठते और जब तक धूप काफी नहीं चढ़ जाती वे वहीं रहते। फिर नहाने, पूजा करने, खाना खाने के लिए वे घर में आते। बाद में कुछ देर विनय की स्टडी के पास पड़े अपने पुराने तख्त पर लेटकर आराम करते। यही कोई 3-3:30 बजे जब विनय कॉलेज से लौटता तब वे फिर से धीरे से उठते, तंबाकू चुनी की डिबिया ले पुलिया पर जाकर बैठ जाते। पुलिया हालांकि बहुत बड़ी तो नहीं थी मगर उस पर 2-3 व्यक्ति आसानी से बैठ सकते थे। नीचे बरसाती पानी बहने का एक निकास था जो मौसम को छोड़कर बाकी समय सूखा पड़ा रहता था। यहां चिंतामण बाबू को थूकने की सुविधा काफी अच्छी थी, उठना नहीं पड़ता था। वे वहीं बैठे बैठे सीधे नीचे की ओर थूक सकते थे। दूसरे चहल पहल भी रहती थी, वहां से कोई ना कोई गुजरता ही रहता था। कभी कोई पता खोजता व्यक्ति वहां आ जाता तो चिंतामण बाबू उससे बातें कर लेते, या फिर कभी कोई पुराना परिचित आ जाता तो वे वहीं बैठकर उससे गप्पे लगाते, उसका हालचाल पूछते। बुलिया अब चिंतामण बाबू का ड्राइंग रूम बन गई थी। शाम की चाय का कप विनय उन्हें वहीं लाकर दे देता था। वे पुलिया पर ही बैठे बैठे चाय पीते और विनय कप वापस ले जाता। यहां एक बात और थी जिसे चिंतामण बाबू महसूस करते थे कि पुलिया पर बैठे बैठे वे सामने घर पर नजर रख सकते थे। कभी कोई गाय या कुत्ता घर में घुसने लगे तो वे उठकर भगा सकते थे। पोस्टमैन को अब अंदर तक नहीं जाना पड़ता था, वो पुलिया के पास रुककर चिंतामण बाबू को डाक दे देता। अच्छी जगह थी, वहां बैठ चिंतामण बाबू अपने मकान की ओर देखते रहते। 2 माह की छुट्टी विभाग से लेकर स्वयं अपनी देख रेख में ये मकान चिंतामण बाबू ने बनवाया और वहां आज उनके लिए जगह नहीं है। 80x30 के उस क्षेत्र से हटकर अब वे पुलिया पर आ गए हैं। यहां साफ हवा है, चहल पहल है, उन्हें लगता है वे सुखी हैं। उस दिन श्रीधर ने बैंक से लौटते हुए जब चिंतामण बाबू को पुलिया पर बैठे अखबार पढ़ते हुए देखा तो वो रुक गया और हंसकर बोला, अरे दद्दा, आपने तो इस सरकारी पुलिया को अपनी परमानेंट बैठक ही बना लिया है। हाँ, क्या है, क्या करना है, अब सब ठीक है, चिंतामण बाबू ने जो अखबार में डूबे हुए थे धीरे से कहा। मगर आप यहां कुछ दरी वरी या आसन वगैरह तो बिछा लिया करो, श्रीधर ने कहा। हाँ ठीक है, क्या करना है, चिंतामण बाबू उसी अंदाज में फिर बोले। श्रीधर घर के अंदर चला गया। कुछ देर बाद चिंतामण बाबू ने सोचा कि वे वाकई में इस पुलिया के होकर रह गए हैं। मगर लड़के ने भी उन्हें यह नहीं कहा था कि दादा घर में बैठा करो, उसने कहा था कि आप यहीं पुलिया पर बैठिए मगर नीचे कुछ दरी वरी बिछा लिया करें। वे कुछ दुखी हुए और फिर अखबार में डूब गए। पुलिया ही अब चिंतामण बाबू की स्थायी बैठक है। जब कोई उधर से गुजरता है उन्हें वहीं बैठे देखता है। मगर इधर कुछ दिनों पूर्व ही रिटायर हुए सिन्हा बाबू भी अब वहीं आकर बैठने लगे हैं। सुबह कई बार वे चिंतामण बाबू के पूर्व ही वहां पहुंच जाते हैं
और पुलिया का वो कोना घेर लेते हैं जहां चिंतामण बाबू पिछले 8-10 माह से बैठे रहते हैं। सिन्हा जी अपने साथ अपने पोते को भी ले आते हैं। वो वहीं खेलता है, वहीं रोता है और वहीं गंदगी भी करता है। पुलिया की शांति अब छिन गई है, एकांत नहीं रहा। कल इसी से ऊब कर चिंतामण बाबू उठे और घर में आ गए। यह उनके घर में आने का समय नहीं था। बरामदे में बनी स्टडी में विनय किताबें फैलाए पढ़ रहा था। अंदर ड्राइंग रूम में श्रीधर अपने मित्रों से बातें कर रहा था। उसने चिंतामण बाबू को अंदर आते देख प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। चिंतामण बाबू उसे न देखा कर अंदर चले गए। अंदर बहू कपड़े बदल रही थी, वे तुरंत पलटे और फिर बाहर आ गए। कुछ देर बरामदे में विनय की स्टडी के पास खड़े रहे, फिर धीरे से सीढ़ियां उतर पुलिया की ओर चले गए और सिन्हा जी के पास जाकर बैठ गए। सामने 80x30 की जमीन पर उनका ही बनवाया मकान खड़ा था। वहां अब उनके लिए कोई जगह नहीं रह गई थी। वे सोच रहे थे कि अगर सिन्हा बाबू की तरह कुछ और लोगों ने यदि इस पुलिया पर कब्जा जमा लिया, वे फिर कहां जाएंगे। हिंदी के सुप्रसिद्ध व्यंगकार शरद जोशी का जन्म 21 मई 1931 को उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। शरद जोशी ने मध्य प्रदेश सरकार के सूचना एवं प्रकाशन विभाग में भी काम किया, लेकिन अपने लेखन के कारण इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और लेखन को ही पूरी तरह से अपना लिया। इन्होंने इंदौर में रहते हुए समाचार पत्रों और रेडियो के लिए लेखन भी किया। इनकी कहानियों पर ही आधारित लापता गंज धारावाहिक भी बनाया गया। इनके व्यंग संग्रह की बात करें तो इनमें परिक्रमा, किसी बहाने, तिलिस्म, रहा किनारे बैठ, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं, दूसरी सतह, हम भ्रष्टन के, भ्रष्ट हमारे, यथासंभव आदि शामिल हैं। फिल्म लेखन की बात करें तो इसमें क्षितिज, छोटी सी बात, सांच को आंच नहीं, गोधुली, उत्सव आदि शामिल हैं। शरद जोशी के धारावाहिक लेखन के बारे में अगर आपको बताएं तो इनमें है विक्रम बेताल, सिंहासन बत्तीसी, वाह जनाब, देवी जी, प्याले में तूफान, दाने अनार के, ये सभी शामिल हैं। जोशी जी ने नई दुनिया, कादंबरी, ज्ञानोदय, रविवार, साप्ताहिक हिंदुस्तान, नव भारत टाइम्स जैसे पत्र पत्रिकाओं के लिए काफ़ी लिखा। 1990 में शरद जोशी जी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने शरद जोशी जी के नाम पर शरद जोशी सम्मान आरंभ किया। 5 सितंबर 1991 को मुंबई में उनका निधन हो गया। अभी आपने सुनी मशहूर कथाकार शरद जोशी द्वारा रचित कहानी पुलिया पर बना ड्राइंग रूम। इसका वाचन कर रहे थे राजीव शर्मा। इस कार्यक्रम की कॉम्पेयर थी प्रीति कमल और निर्मात्री थी रंगोली श्रीवास्तव।